वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर हरे। आज हम अपने लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे और उसके 3 लेवल्स को डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज थॉट टू हैव ए फर्स्ट हैव बीन कॉइंड एज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 1985 एंड then popularized by a number of authors। कहने का मतलब यह है कि बायोडाइवर्सिटी को पहले हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड से जानते थे, बाद में 1985 में शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया बायोडाइवर्सिटी, बाद में इसी शॉर्ट फॉर्म को बायोडाइवर्सिटी को कई सारे ऑथर ने यूज़ किया और बाद में ये पॉपुलर हो। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस। कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल है, जो बायोस्फीयर में मिलते हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इंडिया इज ए रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज विथ जस्ट 2.4% ऑफ द लैंड एरिया। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 7% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीसीज इवन वाइल द सपोर्टिंग एलमोस्ट 18% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इंडिया में बहुत सारे प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं, इसीलिए इंडिया को मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। और इंडिया में अबाउट 7% स्पीसीज वर्ल्ड का पाया जाता है और 18% ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ इंडिया में प्रेजेंट है। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज वेरिएबिलिटी के बेस पे। तो फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, थर्ड है इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ईच मेंबर ऑफ एनी एनिमल और प्लांट स्पीसीज डिफर्स वाइडली फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स इन इट्स जेनेटिक मेकअप। फॉर एग्जाम्पल, ईच ह्यूमन बींग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। कहने का मतलब है, जो भी प्लांट स्पीसीस है चाहे एनिमल स्पीसीस है, वो सभी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सभी का जो जेनेटिक मेकअप है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में क्या है कि उनके क्या है कि मॉर्फोलॉजी भी बिल्कुल डिफरेंट है, यानी एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की तरह दिखाई नहीं देता है, और उनका जो जेनेटिक मेकअप है यानी डीएनए भी डिफरेंट है। एक ह्यूमन बीइंग का डीएनए दूसरे ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल नहीं मिलेगा। ह्यूमन बीइंग से मतलब है कि एक पर्सन का डीएनए दूसरे पर्सन से मैच नहीं करेगा। दिस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज इसेंशियल फॉर अ हेल्दी ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। इफ द नंबर ऑफ ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स इज रिड्यूस्ड, द डिसिमिलरिटी ऑफ जेनेटिक मेकअप इज रिड्यूस्ड एंड इन ब्रीडिंग अकर्स। दिस लीड टू जेनेटिक एनोमलाइज एंड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज। इसको समझने से पहले हम एक बात को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। डार्विन एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था जिन्होंने एक बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस बुक में डार्विन ने कहा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, उनका जो डीएनए है वो जेनेटिक मेकअप 2 बजे के वजह से क्या होता है कि चेंज होता है। और वो 2 वेज क्या है जेनेटिक मेकअप चेंज होने का, 2 वेज है। एक को कहते हैं कंटिन्यूस और दूसरे को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस का हम पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उनका जेनेटिक मेकअप क्या होता है, डिफरेंट होता है, और वो आपस में अगर इंटरब्रीड करेंगे तो जेनेटिक मेकअप हमेशा चेंज होता रहेगा ड्यू टू इंटरब्रीडिंग की वजह से, और इसी को हम कहते हैं इंटरब्रीडिंग का एग्जाम्पल। दूसरा है डिसकंटिन्यूस, जो कि किसी भी म्यूटेशन की वजह से डीएनए का चेंजेस आ जाए। अब चाहे जो डीएनए का चेंजेस कंटिन्यूस वे की वजह से हुआ या डिसकंटिन्यूस वे की वजह से हुआ, अगर वो एनिमल के लिए बेनिफिशियल है तो वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। और क्या होगा, वो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स क्या है, एनवायरनमेंट में एडप्ट हो जाएगा और सर्वाइव कर जाएगा। अगर वो जेनेटिक मेकअप क्या है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो फिट होगा वही एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट सबसे फिटेस्ट लिविंग ऑर्गेनाइज्म को ही सिलेक्ट करेगा। अब ये इंटरब्रीडिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इंटरब्रीडिंग मतलब यहाँ हम कह रहे हैं जेनेटिक मेकअप यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी डिफरेंट होना क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म में जेनेटिक मेकअप में अगर चेंजेस नहीं होंगे, तो जेनेटिक मेकअप में चेंजेस नहीं होंगे तो उनमें जो जेनेटिक जो डिजीजेस है वो रहेगी, और अगर ऐसे जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल आपस में अगर इंटरब्रीड कर लेंगे, तो इंटरब्रीड का मतलब है कि वो पॉपुलेशन आपस में इनब्रीड कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो जेनेटिक डिजीजेस है इन्वायरमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होगा, वो पॉपुलेशन या स्पीसीज क्या है, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी, द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स डेट आर प्रेजेंट इन अ रीजन कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी। सम एरिया आर रिचर इन स्पीसीज देन अदर, फॉर एग्जाम्पल अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव मच ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस देन मोनोकल्चर प्लांटेशन डेवलप्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, वो बायोडाइवर्सिटी के यानी बायोडाइवर्सिटी में प्रेजेंट होते हैं, और वही स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट पाए जाएंगे। बट अगर कोई डिस्टर्ब्ड एरिया होगा ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, वहाँ पे एनिमल की जो वैरायटी होगी और जो प्लांट की वैरायटी होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, यानी वहाँ स्पीसीज रिचनेस कम होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर टिम्बर प्रोडक्शन के लिए ये मोनोकल्चर करती है प्लांटेशन, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के ही ट्री को यूज़ करती है, जिससे क्या है हमें टिम्बर मिलता है और दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। बट अनडिस्टर्ब्ड जितने भी फॉरेस्ट है वहाँ से ह्यूमन के लिए बहुत सारी चीज़ें क्या है मिलती है, जैसे फ्यूल मिलता है, वहाँ से मेडिसिन मिलता है, वहाँ से फ्रूट्स मिलता है एट्सेट्रा। बट अगर डिस्टर्ब्ड एरिया होगा तो वहाँ से ये सारी चीज़ें क्या है कम मिलेंगी, और मोनोकल्चर प्लांटेशन से तो बस टिम्बर ही मिलेगा। स्पीसीज डिफर फ्रॉम वन अनदर मार्केडली इन देयर जेनेटिक मेकअप, डू नॉट इंटरब्रीड इन नेचर। अभी हम जेनेटिक डाइवर्सिटी में डिस्कस कर चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म का जेनेटिक मेकअप क्या होता है, डिफरेंट होता है, और डिफरेंट स्पीसीज के जेनेटिक मेकअप भी डिफरेंट होते हैं।
अब क्या है कि जो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज है वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या है ब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो ये जेनेटिक इससे ये क्या है, ये नेचर का एडेप्टेशन है या नेचर ने उनको इस तरीके से बनाया है कि वो क्या है अपने ही ब्रीड के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हॉर्स डोंकी के साथ ब्रीड नहीं कर सकता है, वो अपने ही स्पीसीज के साथ ब्रीड कर सकता है। इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मेटेरियल्स बिटवीन देम। इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, और बायोस्फीयर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में, जहां पे हमने ये बताया है कि जो बायोस्फीयर होता है ये इंटरेक्टिंग जोन है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर का, जहां पे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनाइजम्स चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो वो बायोस्फीयर में मिलते हैं। इसी बायोस्फीयर में डिफरेंट टाइप्स के जो कम्युनिटीज होते हैं वो क्या करते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और यही कम्युनिटी क्या है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या है इंटरेक्ट करते हैं और अपने क्या है जो मटेरियल है वो एक्सचेंज करते हैं। इसी को हम एक इकोसिस्टम कहते हैं। देयर आर ए लार्ज वेराइटी ऑफ डिफरेंट इको सिस्टम ऑन अर्थ ईच हैविंग देयर ओन कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरलिंकिंग स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द हैबिटेट। कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं ठीक है वो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज या सेम टाइप के स्पीसीज वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलते हैं, और हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और अपने लाइफ स्पेन वहाँ पे अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करता है। और यही जो हैबिटेट है ये इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सारे जो भी हैबिटेट है वो क्या है आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी स्पीसीज के जो हैबिटेट है वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एन इकोसिस्टम रिफर टू एज ए नेचुरल व्हेन इट इज रिलेटिवली अनडिस्टर्बड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड मॉडिफाइड व्हेन इट इज चेंज्ड टू अनदर टाइप ऑफ यूजेस सच एज फार्म लैंड। कहने का मतलब है इकोसिस्टम को हम तब नेचुरल बोलते हैं जब वो क्या है ह्यूमन वहाँ पे एक्टिविटी हुई नहीं है या ह्यूमन ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है, तो वो नेचुरल इकोसिस्टम कहलाता है। बट कुछ ऐसे इकोसिस्टम भी है जिसे ह्यूमन ने मॉडिफाइड कर दिया है, मॉडिफाइड कर दिया, जैसे हमने क्या किया कुछ एरिया को फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसी को हम मॉडिफाइड इकोसिस्टम भी कहते हैं। इकोसिस्टम जैसे नेचुरल होता है आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब है कि जो ह्यूमन मेड है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का अगर एग्जांपल हम देखें जितने भी जो डैम्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। ऐसे ही जो क्या है आपका क्रॉप फील्ड है ठीक है राइस फील्ड है ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। ऐसे ही क्या है कि जो आपका फिश एक्वेरियम है वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। आज हमने अपने लेक्चर में बायोडायवर्सिटी को डिफाइन किया है, बायोडायवर्सिटी के लेवल को डिफाइन किया है, उस उन लेवलों में से जेनेटिक डायवर्सिटी को डिस्कस किया है, स्पीसीज डायवर्सिटी को डिस्कस किया है, इकोसिस्टम डायवर्सिटी को हमने डिस्कस किया है। आई होप ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।